हेलो गाइस, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक ही होंगे। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ही होंगे। तो अभी के बज रहे हैं 7 और आप सभी को गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज हम कौन सी रेसिपी बना रहे हैं तो देखिएगा। जो रेसिपी हम बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए मैंने पहले आइटम काट लिया है। तो ये रही एक थी प्याज, तो मैंने इसको लंबे लंबे पीसेस में काट लिया है। 4 हरी मिर्ची थी तो इसको मैंने ऐसे ऐसे काट लिया छोटे छोटे पीसेस में। मुझे 4-5 हमारे कड़ी पत्ता है और 8-10 हमारे लहसुन की कलियाँ थी तो इसको भी काट लिया। एक हमारा ये नींबू था तो इसको भी हमने काट लिया। 2 पीसेस में रख लिया है क्योंकि हमारे पास टमाटर नहीं है तो ये टमाटर का काम करेगा। और ये हरी धनिया पत्ती है तो इसको भी मैंने काट लिया। तो फ्रिज में रखा हुआ था इसलिए ये ब्लैक ब्लैक दिख रहा होगा आप लोगों को धनिया। तो चलो हम चलते हैं तड़का लगाने के लिए। तो हमने ले लिया है अपना सारा ऑयल गरम करने के लिए मैंने रख दिया है। पहले ही 1 चम्मच ऑयल लिया था मैंने तो वो गरम हो रहा है। दूसरी तरफ हमारी दाल बॉयल हो चुकी है तो आज हम बना रहे हैं हरी मूंग की दाल। तो ये 2 चीज़ें बॉयल हो चुकी है। और तीसरी तरफ हमने बनाए हैं राइस। तो देखिएगा राइस हमारे बनकर रेडी हो चुके बिल्कुल खिले। चपाटी हमने पहले ही बना ली थी तो अब बारी आती है तड़का लगाने की। तो हमने ले लिए हींग और जीरे का। तो सॉरी, इसमें जीरे नहीं है, हमें इसमें जीरे डालना है। और सबसे पहले आप लोगों से हम ये कहना चाहेंगे गाइस, अगर आप लोगों को ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ओके, तो हम इसमें जीरे भर लेते हैं क्योंकि जल्दी से जल्दी हमारा वॉश टाइम पूरा करवाएंगे। तो हमने ले लिए ये जीरे तो हम इसको भरते हैं इस डिब्बे में। हम ज़्यादा नहीं, थोड़ी मात्रा में भरेंगे। ये डाल दिए मैंने, थोड़ा और डाल लेते हैं। चलिए, तो अब हम इसमें ले लेते हैं 1 चम्मच जीरे क्योंकि हमें अंदाज है तो हम अंदाज से ले लेते हैं चम्मच के हिसाब से। चम्मच ज़रूरी नहीं पड़ती हमें उठाने की। हमने 1 चम्मच ले लिए ये जीरे और दूसरी तरफ हमने ले ली है 1 चुटकी हींग। तो चलो हम दोनों चीज़ों को लेकर साथ में चलते हैं क्योंकि ऑयल काफ़ी गर्म हो चुका है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग हमारा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। आप हट जाइए वहाँ पर, ठीक है? तो सबसे पहले हम डालते हैं इसमें कड़ी पत्ता। मेरे चिकने को बहुत डर लगता है गाइस, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा दूर से डालती हूँ। अब डालती हूँ मैं इसमें 1 चम्मच जीरा क्योंकि गरम मसाला नहीं था तो मैंने कड़ी पत्ता डाल लिया तो वो भी गरम मसाला रहेगा। पर अब मैं डालती हूँ 1 चुटकी हींग क्योंकि हींग ज़्यादातर आप लोग जीरे के बाद ही डालिएगा। और कुछ लोग क्या करते हैं कि पूरा मसाला रेडी कर लेते उसके बाद हींग डालती है, लेकिन नहीं, पर मैं तो ऐसे ही डालती हूँ थोड़ी थोड़ी। अब मैंने ले लिया है ये लहसुन की कलियाँ तो ये हमारे अच्छे से हो जाएगी। इसको हम चला लेते हैं ये थोड़ा कड़क हो जाए, उसके बाद ही दिखा दें। जब तक आप लोग बाबू का देखिएगा, फिर बाबू बिल्कुल फ्रेश होकर रेडी हो चुका है। तो बाबू को प्याज काफ़ी अच्छी लगती है तो बाबू ने देखिएगा कितनी सारी प्याज खा ली है गाइस। अब मेरी सब्जी में कम पड़ जाएगी प्याज, बाबू ने